उफ खुदा यार, कहाँ ईरान के इस दश्त सहरा में फंस गया मैं। अल्लाह करे कहीं इससे पहुँच जाऊँ। स्पीक इंग्लिश? नो नो अजून जा तू बघा ले अजून जा तीन रार मी बिनी यस यस मुस्तगीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल रतास हुसैन एक्सप्लोरर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, इस वक्त मैं ईरान के शहर ज़ाहदान में हूं, और यहां से अब आज जो मैं सफ़र करने लगा हूं, सबसे पहले मैं यहां पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाऊंगा यहां इस शहर से निकल के, और उसके बाद मैं यहाँ आपको एक तारीखी किला है ईरान में जो कि यहाँ थोड़ा सा जो डेज़र्ट है इसका उसके शुरू शुरू के एरिए में वहाँ पर मौजूद है, तो उस किले का आपको विज़िट करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मेरे साथ साथ रहिएगा। तो अब सफ़र पे इंशाल्लाह रवाना होते हैं। गुज़िश्ता रात मैंने यहाँ पे ज़ाहदान में गुजारी है और उसकी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और आज मेरा यहाँ पे दूसरा दिन है और मैं इधर ये अब मैं अपनी दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह इसको भी शाम तक या कल इसको अपलोड करूँगा और आपको दिखाऊँगा ये ज़ाहदान जो शहर है ये भी आप इसमें देखेंगे, और इसके साथ साथ जो इनका वो तारीखी किला है नुसरत आबाद उसका भी इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाऊँगा। और इसके अलावा ईरान में जितने भी तारीखी मकामात हैं उन तमाम का इंशाल्लाह आपको विज़िट करवाऊँगा, और आपको ऐसी ऐसी जगहें दिखाऊँगा जो इससे पहले आपने इंशाल्लाह कभी भी नहीं देखी होंगी। तो मेहरबानी करके मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी किया करें। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मैं मेरी मेहनत को देखते हुए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए दूर दराज के सफ़र करता हूँ और ख़ास तौर पर तारीखी मकामात की खोज करता हूँ, उनके बारे में मालूमात हासिल करता हूँ और फिर वहीं जाकर आपके लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें जी। काफ़ी साफ सुथरा सा शहर दिखाई दे रहा है, यह आप देख सकते हैं कि रोड जो है काफ़ी नीट एंड क्लीन है इसकी। और अभी मैं चलूँगा यहाँ पे जो इनका मेन रोड है, मेन रोड अभी ये शहर का रोड का अंदर शहर का हिस्सा है, और अभी जब मैं इस शहर से निकलूँगा तो वहाँ जाके पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी डलवाता हूँ, अपनी टैंकी फुल कराऊँगा और आगे फिर सफ़र जारी रखेंगे इंशाल्लाह। अगर पेट्रोल के रेट के बारे में मैं बात करूं तो अभी तक मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ ईरान में पेट्रोल फ़ी लीटर पाकिस्तानी हिसाब से कितने रुपए का है, क्योंकि अभी तक मैंने ईरान में पेट्रोल नहीं डलवाया। गुज़िश्ता रोज़ जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने बॉर्डर पे पेट्रोल डलवाया था, बॉर्डर पे पाकिस्तान का जो बॉर्डर था वहाँ पर पेट्रोल 160 रुपये लीटर था, जबकि वैसे पाकिस्तान में आज का जो पेट्रोल का रेट है वो 223 रुपये है, लेकिन यहाँ बॉर्डर पे वो जो रेट था वो मुझे यहाँ पे 160 रुपये लीटर मिला था। ये वाला हिस्सा जो ज़ाहदान का है ये जो ईरान है उसका सूबा बलूचिस्तान है, तो यहाँ पे बलोच लोगों की अक्सरियत है, ईरानी बलोच हैं ये लोग। तो यहाँ पे वो शलवार कमीज़ जो हमारे यहाँ वहाँ पे चलती है पाकिस्तान में, तो यहाँ पे ये लोग भी शलवार कमीज़ इस्तेमाल करते हैं, ये बलोची लोग हैं लेकिन ये ईरानी बलोच हैं। तो आधा बलूचिस्तान जैसे हमारी जानब है और बाकी आधा बलूचिस्तान समझ लें कि वो ईरान की जानब है, जिस तरह पंजाब जो है इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है, इसी तरह बलूचिस्तान इसमें भी ईरान में भी है और पाकिस्तान में बलूचिस्तान है। मैं अब तकरीबन यहाँ पे जो इनका मेन रोड है वहाँ पे पहुँचने वाला ही हूँ, अभी कुछ ही देर में मेन रोड पे इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा। ये अब मेन रोड के तकरीबन मैं सामने पहुँच चुका हूँ, वो सामने जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो मेन रोड है और ये गोल राउंड रोड है,
और इसके साथ मैं घूम के सबसे पहले तो पेट्रोल अपनी टैंकी फुल कराऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान से मैंने वही 1000 रुपये का जो पेट्रोल डलवाया था 6 लीटर, और उसके बाद मैं यहाँ पे तकरीबन 125 किलोमीटर का सफ़र करके ज़ाहिदान पहुँच गया था। उसमें तो पेट्रोल तकरीबन अब टैंकी में इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं सबसे पहले पेट्रोल पंप की तरफ जाऊँगा। यहाँ सामने ही पेट्रोल पंप शो हो रहा है मुझे मैप में। ये पता नहीं इतनी लंबी गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं सामने, खुदा खैर करे किस वजह से इतनी लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की पेट्रोल पंप पे। इस जानब से भी गाड़ियां ही गाड़ियां पेट्रोल पंप के लिए लाइन में खड़ी हुई हैं, और आगे मज़ीद भी गाड़ियां पेट्रोल पंप पे खड़ी हुई हैं। अल्लाह खैर करे पेट्रोल पता नहीं मिल भी रहा है कि यहाँ पर भी हड़ताल चल रही है। पेट्रोल बेंजीन टूरिस बेंजीन बेंजीन पे ओवर ना ब्रो ब्रो हम जा सकते हैं। पता नहीं अब ये क्या इशू चल रहा है यहाँ पेट्रोल का, इतनी गाड़ियों की लाइन की समझ ही नहीं आ रही कि क्या वजह है। खैर यह मुझे रास्ता दे रहा है लड़का कि आप अपनी मोटरसाइकिल आगे कर लो। ये कोई बलोची लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या मसला है, इसको फारसी में बात कर रहे हैं, फारसी हमें समझ कहाँ से आएगी। चलें जी, पेट्रोल डलवाने के बाद अब मैं निकल आया हूँ नुसरताबाद की तरफ जाने वाले रोड पे। ये रोड आगे जाता है किरमान शहर की तरफ, किरमान हो गया, महान हो गया, बम हो गया, यानी तहरान रोड है ये वाला। तो अभी मज़ीद हम आगे चलेंगे और वहाँ नुसरताबाद जो छोटा सा गांव है वहाँ पे राइट साइड पे हम टर्न लेंगे, और फिर उस गांव के बाद जो डेज़र्ट वाला एरिया है उस तरफ जाके दाखिल होंगे। ये अब हम नुसरताबाद का जो छोटा सा गांव है वहाँ पे दाखिल हो चुके हैं। तकरीबन ज़ाहिदान से 125 किलोमीटर का लगभग ये फासला है, और अब ये छोटा सा जो गाँव है ये आपकी आँखों के सामने है, और यहाँ से अब जो एक रास्ता है वो पीछे इसके जो डेज़र्ट है, डेज़र्ट एरिया उस तरफ जाएगा, जिसमें हम जाके उस के तारीखी किले की तलाश करेंगे। अब इस वक्त गांव का जो एरिया है वो भी ख़त्म हो गया है, और अब हम इस वक्त गांव के पीछे जहां से ये डेज़र्ट नुमा इलाका शुरू होता है यहां पे हम दाखिल हो चुके हैं, और किला नुसरत आबाद जिसको कारवान सराय भी कहते हैं उसकी तरफ रवान दवा हैं। और ये कारवान सराय सफवी दौर का है और ज़ाहिदान के मशहूर तरीन मकामात में से एक है, और ये नुसरत आबाद से तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर शुमाल मगरब में वाक़ है। इसके साथ साथ मज़ीद जो इस किले के बारे में मालूमात हैं वो ये हैं कि इसमें 60 अदद कमरे हैं और 23 मेहराबे हैं। तो इसके अलावा सफ़ी जो ख़ानदान है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताता चलूँ। सफ़वी ख़ानदान जो था वो 17वीं जो सदी थी ईस्वी उसके दौर की अहम तरीन नस्लों में से एक था, और उनकी हुक्मरानी को अक्सर जदीद ईरानी तारीख का आगाज़ समझा जाता है। इसके अलावा ये बारूद की सल्तनतों में से भी एक ये सल्तनत थी। सुफ़वी शाह इस्माइल अव्वल ने सल्तनत फ़ारस की सरकारी मज़हब के तौर पर शिया इस्लाम के 12वें फ़िरके को कायम किया।
जो इस्लाम के तारीख के अहम तरीन मोड़ में से एक है। सफ़ी ख़ानदान की इब्तदा तौसूफ़ के सफ़ी हुक्म से हुई, जो कि ईरानी आज़रबाईजान के इलाके उर्द बेल में कायम हुआ था। ये कुर्द नस्ल का एक ईरानी ख़ानदान था, लेकिन अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने तुर्कमान, जॉर्जिया, सरकेसियन और पोंटाक यूनानी मौजज़ीन से शादियां की। इसके बावजूद वो तुर्क थे, तुर्क बोलने वाले थे, यानी तुर्की ज़बान बोलते थे। इस तरह वो ससानी सल्तनत के बाद पहला मकामी ख़ानदान बन गया था जिन्होंने सरकारी तौर पर ईरान के नाम से एक कौमी रियासत कायम की थी। और ये जो किले हैं जिसका मैं आज आपको ख़ास तौर पर विज़िट कराने जा रहा हूँ, ये उसी दौर का है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये तकरीबन कोई 350 साल पुराना ये किला है जिसके तलाश में अब मैं ये जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं ये अंदर के एरिया में दाखिल हुआ हूँ तो यहाँ पे अब नेट के जो सिग्नल हैं वो भी आना ख़त्म हो गए हैं और सिर्फ़ एक अंदाज़े से ही मैं आगे चलता जा रहा हूँ। ये जो ट्रैक है ये रेत, मिट्टी और छोटे छोटे जो पत्थरों के ज़र्रात होते हैं उनका ये मजमूआ है, जिस पे कई जगह पे बाइक चलाने में बड़ी दुश्वारी हो रही है, क्योंकि ख़ास तौर पे मेरे बाइक के पीछे बहुत ज़्यादा वज़न भी लोड है जिसमें मेरा सामान है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है यहाँ पर। लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वक्त से ही इस किले तक पहुँचूँ और आपको ये तारीख़ी किला जो कि सफ़वी दौर का किला है इसका आपको विज़िट कराऊं। यहाँ पे एक और मुझे परेशानी भी है कि यहाँ पे इसी ट्रैक से दाएं और बाएं एक दो जगह पर ट्रैक और जानब भी यहाँ से निकले थे, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था मुझे कौन सा ट्रैक लेना चाहिए। तो लेकिन फिर भी अंदाजे से मैंने इसी ट्रैक को पकड़ा हुआ है। देखते हैं कि अब हम उस किले तक किस वक्त पहुँचते हैं। यहाँ से अब एक ये ट्रैक लेफ़्ट की सिमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि एक राइट साइड पे, चले हम ये राइट वाला ही ले लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, चीज़ें क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमें ये लेफ़्ट वाला लेना चाहिए था या राइट वाला, क्योंकि यहाँ ना ही कोई साइन बोर्ड है और ना ही कोई निशानदही का रास्ते का सिमत, निशानदही का कोई भी तरीका यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। एक गाड़ी जा रही है सामने, अब वो गाड़ी तो वहाँ सामने पता नहीं कोई छोटे छोटे से झोंपड़ियाँ टाइप बनी हुई हैं उस तरफ चली गई। चले उधर ही करीब जाके उन लोगों से पूछते हैं इस किले के बारे में कि ये किस सिमत में वाक़ है, क्योंकि यहाँ और तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा जिससे हम पूछ सकें। सारा रास्ता ही ख़राब है। एक तो जैसे ही चलते बाइक पे रेत में पाँव नीचे लगाते हैं तो ये जो मेरे सेफ गार्ड आगे लगे हुए हैं लोहे के पाइप, ये सीधा घुटनों पे आके लगते हैं, जिसकी वजह से ड्राइविंग में और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। गाड़ी वो सामने जाके रुक गई है, वहाँ पे कुछ ख़वातीन और बच्चे भी मौजूद हैं, छोटे छोटे खेमे लगे हुए हैं, कच्चे से कमरे एक दो बने हुए हैं, गालबन ये लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं, इनसे ही पूछते हैं अब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। यू स्पीक इंग्लिश? नो। किला, किला तारीखी किला, किला अजून जा तुम बगा ले अजून जा इन रार में भी नहीं। यस यस मुस्तकीम किला यार, तारीखी किला। ओके
Okay, I am come with you. अच्छा जी, ये अब इशारों से मुझे बता रहा है कि यहाँ से पीछे एक ट्रैक जो लेफ्ट सिमत जा रहा था, जो कि मैं पहले मिस कर आया हूँ, उस तरफ को ये इशारा कर रहा है कि उस तरफ से जाएं, किला जो है वो उस ट्रैक पे आगे जाके आता है। तो चलें चलते हैं उस तरफ और हम उस किले की जानब फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपको चल के किला दिखाते हैं जी। नाज़रीन, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मंजिलों पे मंजिलें मारते हुए, जिसको एक मुहावरा था कि मंजिलों पे मंजिलें मारते हुए अपनी मंजिल पे पहुंचना, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मंजिलों पे मंजिलें मारते हुए मैं अब इस तारीखी किले तक पहुंच चुका हूं, जो कि नुसरत आबाद के नाम से, ये किला नुसरत आबाद जो गाँव है छोटा सा, उसके पीछे डेजर्ट के अंदर वाक़ है। तो अभी हम चलेंगे, इंशाल्लाह मैं इस किले का विज़िट आपको कराऊंगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि बराह करम मेरा इस मालूमाती चैनल को, रतास एंड एक्सप्लोर को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी किया करें, लाइक भी किया करें चैनल को। चलें आए मज़ीद बातें वीडियो में आगे चल के करते हैं, साथ के साथ इस किले का भी विज़िट करते हैं। तो आइए चलें, लेट्स मूव। किले में अंदर दाखिल होने से पहले नाज़रीन, थोड़ा सा मैं आपको इसका एक जो व्यू है वो आपको दिखाता चलूँ। देख सकते हैं आप के पहाड़ों और इस तरह के सहराई इलाके में ये किला मौजूद है। वहाँ से जिस आदमी ने मुझे गाइड किया था, तो बड़ी मुश्किलों से इस साइड पे पहुँचा हूँ। एक जगह पे थोड़ा सा कच्चा सा ऐसे ट्रैक भी बना हुआ है, लेकिन टोटल जो है रास्ता जो है कच्चा ही है। तो अभी हम चलते हैं मज़ीद इस तारीख़ी किले की तरफ। कच्ची ईंटों का बना हुआ ये किला है, बास्तानी दौर जिसको बोलते हैं, उस दौर में ये किला तामीर किया गया। इसका मेन गेट कुछ समझ नहीं आ रही कहाँ पे हो सकता है, लेकिन चलें हम इसके चारों तरफ से होके देख लेते हैं किले के बुर्ज। तारीखी इसके बुर्ज आप देख सकते हैं, टूट चुके हैं। मेन इसका दरवाज़ा देखते हैं किस जानब होगा। अच्छा, गारे की इसके ऊपर लिपाई भी की गई है। टोटल ही कच्ची ईंटें हैं, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में कुछ जो किले मैंने आपको दिखाए हैं, हमारे ज़्यादातर किले जो थे वो कच्ची और पक्की ईंटों के मिक्स बनाए जाते थे, लेकिन इस किले में मुझे कहीं पे भी कोई पुख्ता ईंटें दिखाई नहीं दे रही। टोटल जितना का जितना किला भी है वो सारा का सारा कच्ची ही ईंटों से तामीर किया गया है। हाँ, ये इसका मेन जो एंट्रेंस है वो ये है। चलें जी, इसमें इंटर होते हैं। मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है मेरी, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इस वीराने में किसने आना। ये देखें, ये गालबन यहाँ पे कमरा नुमा जगह बनी हुई है, यहाँ पे दोनों जानब तकरीबन एक जैसे ही लुक, और ये इसका मरकज़ी जो सहन है। वाह माशाल्लाह, यहाँ तो भाई कमरे भी बने हुए हैं काफ़ी हद तक बेहतर। सबसे पहले यहाँ पे खड़े होकर चारों तरफ से मैं आपको इसका दिखा दूं कि क्या लुक है इसके अंदर। अच्छा, चारों जानब इसके जो दीवारें हैं उसके नीचे नीचे जो हैं कमरे वगैरह बने हुए हैं। चलते हैं जी इन कमरों की तरफ भी।
कमरे ये काफ़ी बेहतर हालत में, एक साइड से तो पूरे टूट चुके हैं जबकि एक साइड काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। अच्छा, एक बात यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे एक अजीब से जैसे खामोशी, तन्हाई और सन्नाटा छाया हुआ। सबसे पहले इसके टॉप के ऊपर आता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी अपनी बाइक की भी फिक्र हो रही है। हालांकि दूर दूर तक यहाँ पे कोई भी आबादी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं क्यों बाइक का खौफ है कि बाइक ही ना कोई ले जाए। हालांकि ऐसा चांस बहुत कम है, यहाँ पे ईरान में इस तरह के काम ना होने के बराबर हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं दूध का जला जो है छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो प्रदेश में इस चीज़ का खौफ है कि ये ना हो कि कोई बाइक ले जाए तो मेरे लिए तो वापस जाना ही मुश्किल हो जाएगा। एक अजीब सी सुनसानी और वहशत भी कह सकते हैं, इस तरह का जैसे वहशत सी हो वो छाई हुई है यहाँ पे। चलते हैं मज़ीद। मैं अपनी एक छोटी सी लाइट है वो ज़रा निकाल लूँ क्योंकि अंदर कमरों में जाएंगे तो ये ना हो कोई सांप बिच्छू परेशान कर दे। बहुत वीरान सी जगह, लाइट मैं चला लूँ। अब पता नहीं मेरी लाइट तो काम भी इतना ख़ास नहीं कर रही है। देखें या अल्लाह खैर, अच्छा जंगली जानवरों का भी खौफ है यहाँ पे कि ये ना हो कि कोई जानवर, ये देखें जानवरों ने जो पेशाब वगैरह जानवरों का यहाँ पे मौजूद है, उफ खुदाया, वेरी डेंजरस, बहुत ही पुरसरार माहौल। चलें जी दूसरे साइड पे चलते हम। बिल्कुल एक ही कतार में कमरे बने हुए हैं। अगर ऊपर की लुक की बात करें तो ऊपर भी उनके गालबन किसी दौर में कमरे हुआ करते होंगे, लेकिन अब ऊपर वाले कमरे तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं जबकि नीचे यहाँ पे अभी भी कमरे मौजूद हैं। वही जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि अंदर दाखिल होते हुए जो खौफ है वो ये है कि अचानक ही कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। यहाँ पे भी कुछ ख़ास नहीं है देखने को, उसी तरह कच्ची ईंटों की दीवारें। नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। सेम एक जैसे ही कमरे हैं यहाँ पे। अच्छा, इन पे गालबन अब दोबारा बाद में भी कुछ काम वगैरह किया गया। देखे ना ये परनाला जो है ये इसी दौर का है, और ये जो ऊपर दोबारा लिपाई की गई है ये भी अभी करवाई गई है, खुदा जाने ये किसने करवाई है। लेकिन इस तमाम के बावजूद किले की हालत काफ़ी खस्ता है। सफ़र यहाँ तक का बड़ा मुश्किल था, इंटरनेट जो था वो भी इस वीराने में आके धोखा दे गया और बहुत तंग होके यहाँ तक मुझे पहुँचना पड़ा है। तो ये आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं बास्तानी दौर का ये तारीख़ी किला जो कि आज अपनी इस हालत तक पहुँच गया है। तो
जितनी भी ये तारीखी जगहें हैं नाज़रीन, अब ये देखें किसी दौर में कितनी इसकी शान और शौकत हुआ करती होगी इस किले की, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये सारा कच्चा जो है ढेर बन चुका है मिट्टी का। तो वही बात कि सिर्फ बाकी रहने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। ये दुनिया फ़ानी है, इसकी जाह जलाल जो शान शौकत है सब फ़ानी है। आप ख़ुद सोचें कि इस दूर दराज के इलाके में जब ये किला तामीर किया गया होगा तो इसकी क्या शान और शौकत होगी और इसकी कितनी यानी कि उस दौर में कदर होगी, क्या क्या वक्त इसने देखा होगा, लेकिन आज ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसके साथ ही नाज़रीन अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और ऐसे ही ईरान के तारीखी मकाम पे आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।